हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त मोहन कुमार आज चंद्रयान 2 के लिए मिशन के बारे में पूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसे ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मिशन चंद्रयान 2 के रॉकेट को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है बाहुबली। क्वेश्चन नंबर 2 का है, मिशन चंद्रयान 2 को किस दिन लॉन्च किया गया? तो 22 जुलाई को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रयान 2 चंद्रमा के किस भाग पर उतरेगा? तो दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रयान 2 के रोवर को चांद पर उतरते ही या उपलब्धि हासिल करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन जाएगा? तो चौथा देश बन जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर 5, 22 जुलाई को चंद्रयान 2 को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रयान 2 को चांद की दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए कितने दिनों का लक्ष्य रखा गया है? तो 48 दिनों का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रयान 2 द्वारा पृथ्वी के अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाने के लिए पेरिजी और एपोजी कितना किलोमीटर निर्धारित किया गया है? 170 किलोमीटर तथा 39,120 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, चंद्रयान 2 पृथ्वी के अंडाकार कक्षा में कितना चक्कर लगाएगा? तो वो 4 चक्कर लगाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रयान 2 की अंतरिक्ष में गति कितनी निर्धारित की गई है? तो 10,305.78 मीटर पर सेकेंड निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रयान 2 कब तक चांद की कक्षा में पहुंचेगा? तो 19 अगस्त तक जो है चंद्रयान 2 कक्षा में पहुंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रयान 2 कितने दिनों तक चांद के चारों ओर चक्कर लगाएगा? तो 13 दिन तक लगाएगा ही। क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? तो 2008 में भारत के द्वारा जो है चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम जो है विक्रम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 2 के रोवर का क्या नाम है? तो उसका रोवर का नाम प्रज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 15, चंद्रयान 2 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है चांद पर पानी की मात्रा का अध्ययन करना, चांद के वातावरण का अध्ययन करना, और तीसरा है चांद पर मौजूद खनिजों रसायनों के बारे में पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 16 है, मिशन चंद्रयान 2 पर कितना लागत आया है? टोटल खर्च जो है 978 करोड़ रुपया आया है। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे ताकतवर रॉकेट GSLV Mk 3 का वजन कितना है? तो 640 टन इसका वजन है। क्वेश्चन नंबर 18, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चंद्रमा की सतह से कितना किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में चक्कर लगाएगा? 100 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रयान 2 के लैंडर का जिसका नाम विक्रम है कितना वजन है उसका? तो 1471 kg इसका चंद्रयान 2 का वजन है लैंडर का। क्वेश्चन नंबर 20 है, चंद्रयान 2 के रोवर जिसका नाम प्रज्ञान है का वजन कितना है? तो प्रज्ञान का वजन 27 kg है। चंद्रयान 2 के कुल वजन कितना है तीनों मिला करके है 3850 kg। 22, क्वेश्चन नंबर 22, मिशन चंद्रयान 2 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर तथा मिशन डायरेक्टर कौन है? तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है मुथाया बनीता और मिशन डायरेक्टर है रितु करिधाल। क्वेश्चन नंबर 23, मिशन चंद्रयान 2 के तीनों हिस्सों का नाम क्या है? तो जो ऑर्बिटर है जिसका नाम ऑर्बिटर ही है, और लैंडर है और रोवर है, इसका तीन हिस्सा है, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। कुछ चंद्रमा से जुड़े हुए कुछ और इम्पोर्टेंट अर्थ है जान लेते हैं। चांद पर सबसे पहले किसने और कब अपने मिशन सफलतापूर्वक भेजा था? तो सोवियत संघ ने 1959 में ही भेजा था। आगे है, सोवियत संघ ने जिस अंतरिक्ष यान चांद पर भेजा था उसका नाम क्या था? तो लूना द्वितीय था। चांद पर पहली बार इंसान कब पहुंचा? तो 20 जुलाई 1969 को पहुंचा था। चांद पर भेजे गए पहले इंसानी मिशन का क्या नाम था? तो इंसानी मिशन का नाम अपोलो 11 था। अपोलो 11 में इस्तेमाल सॉफ्ट स्पेसक्राफ्ट का क्या नाम दिया गया था? तो इसका नाम था इंगल। चांद पर जिस जगह इंसान पहुंचे उस जगह का क्या नाम था? तो ट्रिंकुलिटी बेस उसका नाम जगह का नाम था। चांद पर पहले कदम रखने वाले इंसान का क्या नाम था? तो नील आर्मस्ट्रांग और एक और थे बज्र ऑलिड्रन। चंद्रयान 1 से चंद्रयान 2 कैसे अलग है? चंद्रयान 1 में भारत ने हार्ड लैंडिंग या क्रैश लैंडिंग कराई थी, जबकि चंद्रयान 2 में सॉफ्ट लैंडिंग होगी। दुनिया में अब तक रूस, अमेरिका तथा चीन ही सॉफ्ट लैंडिंग करवा पाए हैं। चंद्रयान 2 सफल रहने के बाद भारत सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश होगा।
सॉफ्ट लैंडिंग में पोलैंड तबाह नहीं होता, जो कि अभी कुछ दिन पहले ने उसका क्रैश हो गया था, जबकि हार्ड लैंडिंग में ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, जानकारी अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को फैलाएँ। थैंक्स।